हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव। राजीव, दूसरा मैच इंडिया और बांग्लादेश का T20 का इंपॉर्टेंट मैच है, सीरीज को डिसाइडिंग के लिए भी है, क्योंकि अगर बांग्लादेश जीत जाती है ऑटोमेटिकली इंडिया सीरीज हार जाएगी। हमारा जो विनिंग रिकॉर्ड है बांग्लादेश से, उसमें एक हर्डल ऑलरेडी आ चुकी है। क्या लगता है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है? रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि राजकोट इज अ बेटर पिच देन दिल्ली, जो हम जानते हैं राजकोट में बड़े 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 स्कोर्स लगे हैं। सो व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? देखिए, राजकोट का नाम एक तो पहले बदल के रनकोट कर देना चाहिए। जितने रन बनते हैं बहुत ज्यादा रन बनते हैं वहाँ पे, क्योंकि आउटफील्ड बहुत तेज है, पिच बड़ी फ्लैट होती है वहाँ पे। अगर आप रणजी ट्रॉफी के मैचेस देखें, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस होते हैं, बहुत ही फ्लैट ट्रैक होता है वहाँ पे। बैटिंग मतलब आइडियल कंडीशन होती है, पैराडाइज बोलते हैं वहाँ पे बैट्समैनों के लिए। तो एक बड़ा मौका है इंडियन बैट्समैनों के लिए, जो पहले मैच में फ्लॉप हुए थे, मुझे लग रहा है वो अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा रोहित शर्मा दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कहीं ऋषभ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो बहुत ज्यादा उन्होंने कहा कि चेंजेस के मूड में नहीं है, बैटिंग ऑर्डर को लेकर वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए। एक दो लेकिन चेंजेस होंगे जो मुझे लग रहा है पिच को देखते हुए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा ऑलराउंडर खिलाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो काम आपके टॉप चार पांच बैट्समैन नहीं करेंगे फिर वो छह सात से आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं। राजीव, ये चीज आपने पहले भी पॉइंट आउट कराई है पहले मैच के बाद कि कुछ ज्यादा ही ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं जो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं पड़ रहे, क्योंकि हमारा बॉलिंग अटैक उस कारण वीक पड़ रहा है। देखिए, मुझे जो चेंजेस की बात है बैटिंग ऑर्डर में तो कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है, सेम बैटिंग लाइनअप खेले, बट बॉलिंग में थोड़ा सा चेंजेस में देख रहा हूँ। हो सकता है शिवम दुबे को ड्रॉप करके शार्दुल ठाकुर को यहाँ पे खिलाया जाए, हालांकि बहुत यंग है शिवम दुबे, उनके लिए थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, बट क्योंकि हमें मैच जीतना है, सीरीज में बने रहना है, तो अपने बॉलिंग अटैक को थोड़ा हमें ताकत देनी पड़ेगी। क्योंकि आप याद करें पहला मैच खलील अहमद को जब पिटाई हुई, दीपक चहर को थोड़ी मार पड़ी, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था तीसरा सीमा, और हमें आखिरी ओवर फिर शिवम दुबे से डलाना पड़ा। तो शार्दुल ठाकुर के पास अच्छा एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में वो स्टार परफॉर्मर रहते हैं हमेशा जब भी वो खेलते हैं। तो एक ये मेरे लिए चेंज लग रहा है, और ये चेंज इसलिए भी जरूरी है कि बहुत फ्लैट ट्रैक है, आपको स्पेशलिस्ट गेंदबाज चाहिए। जब भी आपको इस तरह के फ्लैट ट्रैक में आपको बताऊँ, जैसे कांच की है ये आप टेबल देख रही हैं, कुछ ऐसी ट्रैक होता है ना, बॉल स्पिन करेगा ना बॉल वहाँ पे सीम होगा, शुरू के चार पाँच ओवर अगर छोड़ दें जब थोड़ा सा वाइट बॉल नया रहता है, तो ये एक परेशानी होगी। तो आपको एक्स्ट्रा एक बॉलर, एक क्वेश्चन चाहिए बॉलिंग में। बैटिंग में तो आपके पास ऑलरेडी इतनी डेप्थ है, वाशिंगटन सुंदर ने भी बहुत कमाल की बैटिंग कर दी थी, पहले दिन हिटिंग की थी, तो ये डेप्थ बनानी पड़ेगी गेंदबाजी में। राजीव, डेप्थ तो है बैटिंग में, पर बैटिंग ऑर्डर फेल हो रहा है। डेप्थ की बात तो है, डेप्थ तो है, पर ऐसा क्यों है कि हम स्कोर बोर्ड पे कोई स्कोर नहीं डाल पा रहे? स्कोर बोर्ड पे स्कोर आया कुणाल पांड्या और वाशिंगटन सुंदर के कारण। मैं ये नहीं कहूँ कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा स्कोर करा, पर वो लास्ट के 16 रन रेस्पेक्टेबल टोटल पे लाता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि वहां रोहित शर्मा की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, स्ट्रेटेजी जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर लग रहा है ऋचा, जब बैटिंग खासतौर से जब हम रन चेस करते हैं ना, तब कोई दिक्कत नहीं हमें हमारे पास, पर अगर हम टॉस हार के अगर देन हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम टारगेट सेट करने वाली बैटिंग नहीं कर पाते। मैं एनालिसिस कर रहा था पहले मैच में, अराउंड 36 डॉट बॉल्स हमने खेली है, अब आप 120 बॉल्स में से 36 डॉट बॉल हटा दें, मैं चौके छक्के की बात नहीं कर रहा, डॉट बॉल्स की कर रहा हूँ। तो बहुत जरूरी है कि स्ट्राइक रोटेट करें, अगर आप यही 36 गेंदों को एक एक रन में कन्वर्ट करते हैं तो स्कोर पहुंच रहा है आपका 170 के ऊपर, और आप वो मैच जीतते हैं आराम से। तो पहली चीज ये अवॉइड करनी है हमारे जो बैट्समैन है ऊपर के, कि डॉट बॉल्स ना खेले। आप अगर आप शिखर का भी स्कोर देखेंगे तो 43 बॉल पे 42 रन है, 26 बॉलों पे 25 रन दूसरे श्रेयस अय्यर खेल रहे, बट ये नाकाफी है क्योंकि उनमें डॉट बॉल्स बहुत है, फिर आपने बाउंड्री हिट की उसको कवर अप करने के लिए। तो बहुत जरूरी है डॉट बॉल्स कम करें आप, क्योंकि T20 फॉर्मेट ऐसा है, आप जब डॉट बॉलें कम खेलेंगे तो फिर आपको कवर अप कम करना पड़ेगा, और अंत में जब आप स्कोरबोर्ड देखने जाएंगे तो वो 15-20 रन बड़ा फर्क डालते हैं जो डॉट बॉल्स को आप सिंगल या डबल से निकालते हैं। तो ये बड़ा फैक्टर होगा इस सीरीज में, और मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप तक ये बड़ी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सनी भाई ने भी इस बात का जिक्र किया कि जितनी कम डॉट बॉलें हम खेलेंगे उतना फायदा होगा हमें। राजीव, आपके हिसाब से ऋषभ पंत के लिए क्या एक पीस ऑफ एडवाइस होनी चाहिए, एज अ जेन्युइन एडवाइस, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो अंडर प्रेशर है, वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक पीस ऑफ एडवाइस आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा वुड गिव टू ऋषभ पंत की गो आउट देयर एंड विन द मैच फॉर अस, व्हाट मतलब दैट वुड बी अ डायरेक्ट एडवाइस, बट क्या आपको क्या लगता है कि उनके प्लेइंग हिसाब से वो क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, रवि शास्त्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जाके कहना चाहिए यार तू दादा क्रिकेटर है, जाके बिंदास बैटिंग कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सीरीज तेरी, आने वाले एक सीरीज और देंगे तुम्हें, बट वो कॉन्फिडेंस थोड़ा लैक हो रहा है। जो टीम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस देती है एक यंग प्लेयर को, वो लैक कर रहा है ऋषभ पंत के साथ खासतौर से, क्योंकि मैं
मैं उनकी बैटिंग देख रहा था कोटला में, कहीं से बहुत इंप्रेसिव नहीं थे वो। प्री मेडिटेटेड डिफेंस खेले जा रहे थे, प्री मेडिटेटेड वो स्वीप मार रहे थे। मतलब अकॉर्डिंग टू द बॉलिंग अगर आप शॉट्स खेलें देन फायदा है। आप सोच के जाएंगे आप मुझे पहली बॉल डिफेंस करनी है, भले ही फुल टॉस मिल जाए, पहली बॉल आपको बैकफुट पे खेलना है भले ही बॉल आगे की मिल जाए, देन प्रॉब्लम। और उनका जो माइंड सेट इस समय दिख रहा है ऋचा, वो बहुत डगमगाया हुआ माइंड सेट, वो कॉन्फिडेंट प्लेयर वाला माइंड सेट नहीं है कि आपको पहली अगर खराब बॉल मिली तो पहली आप मैदान के बाहर भेजेंगे। तो वो चाहिए वो ऋषभ पंत सेलेक्टिव हो जाए थोड़े। हम यही नहीं कहते बहुत ओवर एग्रेसिव, बट सेलेक्टिव शॉट सिलेक्शन होना बहुत जरूरी। यंग है, टैलेंट है, बहुत हाईली टैलेंटेड क्रिकेटर है। जब बैटिंग करते हैं तो बॉल बाहर जाता है और इसीलिए उनको इतना परसिस्ट कर रहे हैं हम T20 फॉर्मेट में, क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल दिख रहा है एक बड़े मैच विनर के तौर पर। क्या पता राजकोट में क्लिक करें और रनों की बरसात देखें। बिल्कुल, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो एक ऐसी पिच है जहां हम लोग अपने बैटिंग ऑर्डर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बॉलिंग में आपको कौन लगता है, कौन होगा वो जो कुशन दे सकता है? यजुवेंद्र चहल का आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रैक्टिस सेशन के एक दिन पहले, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। उन्होंने जो स्वीप शॉट्स पड़े बांग्लादेश के जो बैट्समैन, उन्होंने आड़े शॉट्स खेले, उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं लेंथ पे थोड़ा काम कर रहा हूँ, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस लाइन पे आप बॉल डाल रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में अच्छा टर्न है। वो बॉल को टर्न कराने की उस दिन कोशिश नहीं कर रहे थे, तेज डालने की कोशिश कर रहे थे। उनके बिल्कुल उल्टा अमीनुल जो उनके लेग स्पिनर थे, उन्होंने टॉस किया बॉल को और जिगरे के साथ, यानी कि आप एक छक्का मारोगे दूसरे मिस टाइम होगी तो आप आउट हो गए। आप देखिए उन्होंने श्रेयस अय्यर को आउट किया, उससे पहले के राहुल को उन्होंने आउट किया, तो दो बड़े इंपॉर्टेंट विकेट निकाले। तो चहल को एक रोल देना चाहिए कि आपको विकेट लेने जाना है, आपको रन बचाने के लिए नहीं गेंदबाजी करनी है। तो दो गेंदबाजों को जब आप विकेट लेने वाली बॉलिंग करने को बोलेंगे तो मुझे लग रहा है बेनिफिट होगा। और इंडिया, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी कहा है कि बहुत हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम वापसी करेंगे, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि बांग्लादेश ज़्यादा बेटर क्रिकेट खेल रही है T20 फॉर्मेट में, और वो बड़ा खतरा होंगे इस मैच में भी इंडियन टीम के लिए। राजीव, आपके प्लेइंग 11 कौन होंगे अगर आप भी ज्यादा चेंजेस नहीं लाते, आपके हिसाब से आप किसको इन और किसको आउट करेंगे? देखिए मैं सिर्फ एक चेंज की उसमें, या तो खलील अहमद ड्रॉप होंगे और शार्दुल ठाकुर आएंगे, या शिवम दुबे ड्रॉप होंगे, शार्दुल आएंगे, क्योंकि शार्दुल आएंगे क्योंकि उनका वेरिएशन है, वो थोड़ा सा फ्लैट विकेट्स पे जानते हैं गेंदबाजी करना। खलील ने जिस तरह से शॉर्ट पिच गेंदबाजी की, वो एक्सपोज हो रहे थे एक ही तरह की गेंदबाजी कर करके, हमने देखा वो कटर्स डाल रहे थे बार बार, मुस्तफिजुर को जो बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म सीवर, उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, बट एक्चुअल वो क्वालिटी थी नहीं, इस वजह से उनको मार पड़ी, चार चौकों में मैच बदल गए। उससे पहले वो ये भी कह सकते हैं कैच छूटा उसकी वजह से हारे, बट ओवरऑल कैच छूटने के बाद भी तो आपको रिकवरी करनी है, आप चार चौके नहीं खा सकते हैं, तो ये बात समझनी पड़ेगी। तो या खलील अहमद या शिवम दुबे ड्रॉप हो गए, और शार्दुल खाना बांग्लादेश की टीम में मुझे नहीं लग रहा कोई चेंज करेंगे। उनके स्पिनर्स ने बहुत इफेक्टिव गेंदबाजी की, कप्तानी बड़ी शानदार की महमूदुल्लाह ने, मैं तो उनकी बड़ी तारीफ करूंगा ऋचा, जिस जल्दी जल्दी उन्होंने चेंजेस किए बॉलिंग में, 8 बॉलर से उन्होंने गेंदबाजी कराई, यानी खुद ने गेंदबाजी नहीं की, एक विकेट कीपर ने नहीं की, और एक कोई बैट्समैन है जो ओपन करते हैं उन्होंने नहीं की, बाकी सबने 2-2 ओवर गेंदबाजी की है। यानी वो सेटल नहीं होना देना चाह रहे थे किसी भी बैट्समैन को, क्योंकि कुछ उनके स्पिनर्स थोड़े आड़े तिरछे वाले, कोई नीचे से बॉल डालता है, कोई इधर से डाल रहा है, मतलब वो 2 ओवर ऐसे निकल जाएंगे आपको समझ नहीं आने। तो ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है मुझे लग रहा है बांग्लादेश। बिल्कुल राजीव, क्योंकि T20 फॉर्मेट है ही ऐसा कि अगर जैसे हम हमेशा बात यही करते हैं कि पहले 6 ओवर होते हैं जो आपके मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, एज वेल एज एक ही ओवर में पूरा गेम पलट सकता है, वो आपके फेवर में जो गेम लगता है वो चेंज हो जाता है, तो इट्स वेरी इजी। तो ऑल द वेरी बेस्ट है हमारे साइड से टीम इंडिया को, बिकॉज इट्स अ क्रूशियल मैच जब सीरीज की बात करी जाए। साथ ही साथ जैसे हमने पहले डिस्कस करा था, रोहित शर्मा के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैच है बिकॉज उनका 100th T20 मैच भी होगा ये, एज वेल एज इंडिया कॉन्फिडेंस के लिए, इंडिया टीम यंग जो इंडिया टीम अभी खेल रही है उसकी कॉन्फिडेंस के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हमें वर्ल्ड कप T20 भी खेलना है। बिल्कुल।